नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है क्रिकेट प्रेमी, क्योंकि एक के बाद एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स का आयोजन हो रहा है। सभी का फेवरेट आईपीएल का भी आयोजन होने वाला है। 19 सितंबर से मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाले मैच से आईपीएल का यूएई में शुभारंभ हो जाएगा। उसके तुरंत बाद टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी। भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने से होगी। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अभी से तरह तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। टी20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के दो बेहतरीन ओपनर डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, शायद आप इस मुश्किल सवाल का जवाब ना दे पाए। लेकिन दिनेश कार्तिक ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश की। दिनेश कार्तिक ने कहा, दोनों अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करते हैं और दोनों ही बेहद सॉलिड प्लेयर। मैं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए इन दोनों में से ही किसी एक को चुनूंगा। दोनों रनों के लिए बेहद भूखे। रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप एक दूसरे के पर्यायवाची, दोनों को एक दूसरे से प्यार है और एक दूसरे की मदद करने के तरीके खोजते हैं। अगर भारत को इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना है तो रोहित ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टॉप ऑर्डर में अपना कमाल दिखाना ही होगा। डेविड वार्नर ने पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट नहीं खेला। एक भूखा डेविड वार्नर, एक डरावना डेविड वार्नर, मैं उनसे कुछ बड़ी चीजों की उम्मीद कर रहा हूं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में अब तक 81 मैचों में 2,265 रन वो बना चुके हैं। वहीं रोहित शर्मा ने डेविड वार्नर से कहीं अधिक मैच खेले। रोहित इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में अब तक 111 मैचों में 2,864 रन बना चुके हैं। ऐसे में दोनों में करीबी भिड़ंत तो देखने को मिल सकती। वैसे आपको क्या लगता, टी20 वर्ल्ड कप में कौन किस पर भारी पड़ेगा, हमें उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं।